चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और तमाम लेक्चर्स हमारे ब्लॉग पर मौजूद हैं। हर रोज़ एक नया लेक्चर अपलोड होता है, ज़रूर फॉलो करें हमें। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम तीसरा और आखिरी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन करने लगे हैं, जिसका नाम है वेंचुरी रिलेशन। इफ़ वन ऑफ द पाइप्स हैज़ अ मच स्मॉलर डायमीटर दैन द अदर्स एज शोन इन फिगर, वी राइट बर्नौलीज इक्वेशन इन अ मोर कन्वीनियंट फॉर्म। इट इज़ अज्यूम्ड दैट द पाइप्स आर हॉरिजॉन्टल सो दैट रो जी टर्म्स बिकम इक्वल एंड कैन देयरफॉर बी ड्रॉप्ड। अब वो कहता है कि फर्स्ट कर रहे हैं कि एक पाइप है लंबा सा, जिसका डायमीटर जो है ना वो चेंज होता रहता है। जैसे कि उसने फिगर में शो किया कि यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या है कि उसका डायमीटर ज़्यादा है, फिर बी पॉइंट पे कम है, फिर आगे जाके दोबारा बढ़ जाता है। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि हम इसको अपनी आसानी के लिए चेंज कर देते हैं। इसको हम वेंचुरी रिलेशन कहते हैं कि जब हम चेंज कर रहे हैं ना उसको। उसने क्या किया, उसने कहा कि हमने जो दो पॉइंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं ना उनको हम सेम हाइट पर ले आते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी रो जी एच होती है ना वो दोनों साइडों से कैंसिल हो जाती है। कैसे? अब रो हमें पता है क्या होती है, डेंसिटी होती है जो लिक्विड की, फ्लूइड की, जो कि अंदर से गुजर रहा होता है। जी हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एच हमारी हाइट है। अब जी तो सेम रहना है अर्थ पे, सरफेस पे। एच अगर हम दोनों साइड पे सेम कर दें, यानी कि दोनों को सेम हाइट पे कर दें, तो हमारे लिए क्या होगा, दोनों साइड से ये रिलेशन जो है, ये जो है टर्म कट जाएगी। ठीक है, इससे हमें फ़ायदा होगा कि हमारी रिलेशन जो है सिम्प्लीफाई हो जाएगी। अब जनरल हमारी बर्नौली इक्वेशन हमने पहले पढ़ी थी, वो क्या थी, ये वाली। अच्छा, अब इसमें क्या था कि अब देखें अगर हम रो को इसमें अगर एच हमने दोनों साइड पे सेम कर दिया, ठीक है। अब रो जी हमारा सेम है क्योंकि रो लिक्विड पे फ्लूइड पे डिपेंड करता है, इसलिए वो सेम है, हाइट भी सेम है। तो हमारे H1 H2 अगर सेम हो जाए तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगी। बाद में बचेंगी हमारे पास 4 टर्म्स, 1 2 3 4, ठीक है, मतलब टोटल 4 टर्म्स, 2 लेफ्ट हैंड साइड पर, 2 राइट हैंड साइड में, जिसमें एक प्रेशर है, दूसरी कौन सी वाली है, वेलोसिटी वाली। ठीक है, वापस आ रहे थे वेंचुरी रिलेशन में। अब हमारा जो रिलेशन है वो क्या बचता है, P1 माइनस P2, मतलब उसी रिलेशन को हमने आगे पीछे कर दिया कि एक साइड पे हमने प्रेशर वाली टर्म्स ले आए, एक साइड पे हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली टर्म्स ले आए। ठीक है, अब ये हमारा प्रेशर हो गया, प्रेशर डिफरेंस, ये हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। ठीक हो गया, यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, हाफ इंटू रो मल्टीप्लाई बाय वी टू स्केयर माइनस वी वन स्केयर। ठीक हो गया। एज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द एरिया ए वन, देन फ्रॉम द इक्वेशन वी वन इज इक्वल टू ए टू ओवर A1 इंटू V2। अब इसके बाद उसने क्या किया, उसने कहा चूँकि हमें पता है कि क्रॉस सेक्शनल का डिफरेंस है, हमने क्या किया, हमने जो रिलेशन है जो कि हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता लगा था, वो क्या था कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि एरिया और साथ में वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है, या एक साइड के लिए दूसरी साइड के लिए सेम होना चाहिए। तो उससे हमने क्या रिलेशन निकाला, V1 इज इक्वल टू A2 ओवर A1 इंटू V2, वी विल बी स्मॉल एज कम्पेयर टू V2। अब वो कहता है कि चूँकि क्रॉस सेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए जो V1 है ना वो बहुत छोटी होगी एज कम्पेयर टू V2, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो उसका स्क्वायर होगा ना वो उससे भी छोटा होगा। क्योंकि आपको एक बात पता है कि जो भी नंबर होता है ना 0 और 1 के बीच, उनका जो स्क्वायर होता है वो उनसे छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर V1 0 और 1 के बीच हो ना, तो V2 और 1 से ग्रेटर हो, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा स्पीड है V1, इसका स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा और V2 का स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इस टर्म का जो माइनस करने का में V2 की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एंड द एंड रिजल्ट जो है वो तकरीबन V2 स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, 10 फॉर फ्लो फ्रॉम अ लार्ज पाइप टू अ स्मॉल पाइप वी का निगलेक्ट V1। अब इसलिए हम क्या करते हैं, V1 को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन हैंस, अब हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या बचता है, ये। अब हमने किया कि हमने इस पॉइंट पे V1 को 0 कर दिया और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ V2 स्क्वायर बच गया। इस रिलेशन को हम वेंचुरी रिलेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज वेंचुरी रिलेशन which is used in Venturi meter, a device used to measure speed of fluid flow। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो एक तो पहली बात हुई कि हमने सबसे पहला काम यह किया, हमने सबसे पहले काम क्या किया कि जो हाइट थी दोनों पाइप्स की या एक ही पाइप की दो डिफरेंट सेक्शंस की, उनको हमने इक्वल कर दिया, मतलब सेम हाइट पर रखा है दोनों को। उससे क्या हुआ, हमारे पास रिलेशन जो है वो और जो है वो कम हो गया, यानी कि एक तरह से इतना रिड्यूस हो गया था। हमारे पास सिर्फ प्रेशर और स्पीड की टर्म्स रह गई थी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी स्पीड की टर्म्स थी उनको हमने कंपेयर किया, हमने देखा कि उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस हो रहा है और हमने देखा कि अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं तो ये जो स्क्वायर का डिफरेंस है ये बहुत ही, या कह लेंगे तकरीबन जो है वो V2 स्क्वायर के बराबर आ रहा है स्क्वायर्स का डिफरेंस। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे हमें ये पता लगता है कि V1 जो है बहुत छोटा है, V2 बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए हम इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरी साइड की इक्वेशन को हम ये लिख लेते हैं, V2 स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास जो रिलेशन आता है इसको हम कहते हैं वेंचुरी रिलेशन, और ये वेंचुरी मीटर में यूज़ होता है। क्या होता है कि वेंचुरी मीटर के हम प्रेशर डिफरेंस से हम स्पीड पता लगा लेते हैं फ्लूइड की। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा वेंचुरी रिलेशन। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक रह गया ब्लड फ्लो, जो कि हमारी वेन्स में ब्लड के फ्लो को डिस्कस करता है, वो हम देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और तमाम लेक्चर्स हमारे ब्लॉग पर मौजूद हैं। हर रोज़ एक नया लेक्चर अपलोड होता है, ज़रूर फॉलो करें हमें।